तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप अगर आईएनडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग क्या है यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप अगर उस ऐप से म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किस तरह के साथ सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या प्रोसेस है म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की, वो भी आईएनडी मनी ऐप से, इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप दोस्तों यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के इंटरेस्टेड हो, तो आप दोस्तों आईएनडी मनी ऐप से यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आईएनडी मनी अकाउंट ओपनिंग के साथ यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी इंडिया से। तो किस तरीके से आप आईएनडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग करेंगे, ऑलरेडी दोस्तों वीडियो से इस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो आईएनडी मनी ऐप पे, तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप आईएनडी मनी अकाउंट ओपनिंग क्या है, आईएनडी मनी ऐप से अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, इसके लिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे सारा प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आईएनडी मनी ऐप से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की क्या है प्रोसेस। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो आईएनडी मनी ऐप से म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको आईएनडी मनी ऐप को तो ओपन कर लेनी है। आप अगर आईएनडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग क्या है, आप आईएनडी मनी ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आईएनडी मनी ऐप से अगर आप यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे यूएस स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे पे। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जितना ही यूएस स्टॉक है उन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अब यहाँ पे यूएस स्टॉक पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऊपर पे देखेंगे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले नीचे पे आपको फंड सिलेक्ट करनी होगी कि किस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारा फंड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ट्रेंडिंग फंड, इंडेक्स फंड, हाई रिटर्न फंड। तो सबसे पहले फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फंड चूज कर लेनी होगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फंड चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अपना फंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप चूज करना चाहते हो क्लिक करके, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि किस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नेपाल इंडिया फंड में चूज कर लूँगा। चूज करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर पे दो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वन टाइम एंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर वन टाइम करना चाहते हो, तो यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए वन टाइम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कितना रुपए करना चाहते हो वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट सिप वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है। मिनिमम ये 100 रुपीज़ सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो, यहाँ पे आप अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे नीचे पे चूज़ करनी होगी आप डेली बेसिस पे करना चाहते हो या फिर मंथली बेसिस पे करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मंथली बेसिस पे करना चाहते हो कि पर मंथ ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितने तारीख को हो जाएगा, वो तारीख आपको यहाँ पे डालनी है। एग्जाम्पल के पे यहाँ पे तारीख सिलेक्ट कर लूँगा। ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डेट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे नीचे पे। जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होकर आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। आईएनडी मनी ऐप पे जो बैंक अकाउंट लिंक है, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसी बैंक अकाउंट से अपना जो कि ऑटोमेटिक सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगी म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑटो पे सेटअप करने के ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना ऑटो पे सेटअप कर लेंगे कि कितना अमाउंट पे होगा ऑटो पे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये तो ऑटोमेटिकली पेमेंट होगा पर मंथ। एक बार आप अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेटअप कर लेते हो, तो यहाँ पे हम ऑटो पे सेटअप सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे 100 रुपीज़ सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे फिलहाल तो ये मेरा पेटीएम बैंक अकाउंट ब्लॉक है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे अपना अमाउंट देखने को मिल जाएगा एंड वो अमाउंट आप यहाँ पे पे कर देंगे। 5 या 7 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई होकर वो अमाउंट जो म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेटअप हो जाएगा, और जितना रुपये आप इन्वेस्टमेंट किया है वो अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, और अपना ऑटो सेटअप भी हो जाएगा। पर मंथ जितना रुपये आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेटअप किया है, उतना रुपये पर मंथ जो कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली।
तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप अगर आईएनडी मनी ऐप से म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्या है प्रोसेस म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की, आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो से। फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।